नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मध्य प्रदेश के ताजा घटनाक्रम दिग्विजय उमंग सिंघार विवाद, नए प्रदेश अध्यक्ष और संगठन में बदलाव को लेकर प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है। सिंघार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाए गए और आरोपों से नाराजगी जताई है। रिपोर्ट में नए प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति और संगठन में बदलाव का भी जिक्र है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा सोनिया गांधी से मुलाकात किए जाने की खबर भी है। इससे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 सितंबर तक विदेश में हैं। उनकी वापसी पर नए अध्यक्ष का रास्ता साफ होगा। पार्टी आलाकमान प्रदेश का नया अध्यक्ष कमलनाथ और सिंधिया की सहमति से चुनना चाहती है। इसी के चलते 12 सितंबर को देश भर के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस दौरान नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अंतिम निर्णय हो सकता है। दौड़ में फिलहाल बड़े नामों में सिंधिया का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा अजय सिंह, बाला बच्चन, उमंग सिंघार, ओमकार सिंह मरकाम, राम निवास रावत और प्रभुराम चौधरी के नाम भी चर्चा में है। गुड मॉर्निंग टीवी की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस तरह की स्पेशल रिपोर्ट्स और आगे के अपडेट्स के लिए निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। यूट्यूब में हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और फास्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। नमस्कार।